उसमें सीपी साहब से ये बात हुई है कि हमारे बच्चों पे, हमारे बच्चे ये तो नहीं कि हमारे खुद हमारे बच्चों ने लड़ाई की है, दोनों पार्टी ने जो भी बच्चों से लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके प्रति, और दूसरा जो थाना की पुलिस हमारे घर और बहुत ज़्यादा दबाव दे रही है उससे, और केस जो ट्रांसफ़र कर दिया CIU को, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और जो 379B जो धारा लगाई है जिसमें चैन स्नैचिंग, तलवारबाजी, ये उसकी फुटेज के लिए, और तीसरी बात जो अग्रवाल साहब ने वहाँ उनका अपना इंटरव्यू दिया है कि भाई हमारे जो भी हमारे बच्चों से झगड़ा हुआ है या उन बच्चों से आपस में जो भी लड़ाई झगड़ा किसी कोई भी इशू है वो हम बैठ के अपने बच्चों को ला के उनको सोल्यूशन करेंगे कि कौन बच्चा है इसमें शामिल कौन नहीं है, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, जो भी IPC की धारा लगाई है उसके लिए उन्होंने बोला कि ये जो हमने जो धारा लगाई इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हीं धाराओं पर हम अर्ज करके उसको भेज देंगे अंदर, हमारा ACP है, हमारा DCP क्राइम है, इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद में जो एक्चुअल रिपोर्ट होगी वो हम उसको पेश करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा है, जैसे CP साहब ने बोला कि बच्चों के अंदर एक ऐसी महत्व भावना हो रही है एक तड़ी की, तो मैंने CP साहब कहा, मैंने कहा CP साहब ऐसा नहीं है, हमारी कौम को एक तरह से बच्चों को ये बदनाम किया जा रहा है भाई इनके पास गुजरों पास बहुत पैसा है, फॉर्चून गाड़ी है। तो CP साहब बोले जी ऐसा नहीं, मैं किसी और कौम को नहीं बोल रहा, मैं कहा जी हमारी कौम के प्रति लोगों की भावना जी इनके पास बहुत पैसा है, फॉर्चून गाड़ी है, और इनके जो परिवार वाले हैं उनको लिफ्ट देते हैं, खुली छूट देते हैं, बच्चा घर से निकलता है लेकिन वो कॉलेज नहीं जाता, ऐसा नहीं है जी। आज की डेट में हमारे बच्चे खूब पढ़ाई पढ़ भी रहे हैं, जनरेशन भी आगे निकल रही है, बड़े और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका भी पूरा आशीर्वाद है, उनका भी सहयोग है। आगे उन्होंने फिर एक बात और बोली कि अगर कोई भी इसमें इशू होगा तो मैं, हमने उनको टाइम लिया CP साहब को कि हमें इसमें समय दिया जाए, हम अपने बच्चों को बुला के और जो बच्चों के साथ और भी कोई बच्चे इन्वॉल्व हुए उनसे पूछ के जो बच्चा भी होगा उसको हम पेश करेंगे, ये हमारी CP साहब से बात हुई। अब चाहते हैं सर, हम तो चाहते, देखो जी हमारे बच्चों का इस टाइम उनका एग्ज़ाम है, उनका बिल्कुल पीक आवर टाइम पीरियड है, और ये नहीं कि हम उनको जेल भेज दें वही उनका वो सार्थक हो जाएगा, नहीं, जेल जाने का मतलब है उनके ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लगा दी, अब तुम और बढ़िया मुलजिम बनकर निकलो, ऐसा नहीं, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, बच्चे वो भी हमारे हैं और ये भी बच्चे हमारे हैं, इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। हमारे विधायक साहब भी बैठे हैं, पूरी बरादर बैठी है, सारे सब गणमान्य लोग बैठे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा हाथ जोड़ के अपने बच्चों से भी और अपने परिवार वालों से कि हमारा जो भगवान ने जो हमें दिया है सब कुछ उसको आगे बढ़ाए और इन बच्चों के प्रति अपनी संवेदना और इनको सुख शांति समृद्धि की प्रदान की जाए, भाई ऐसा कोई काम ना हो। और इनके ऊपर जो एलिगेशन लग रही है वो समाप्त करके वो जो एलिगेशन है वो उसमें जो भी होगा वो आपके सामने कानून प्रणाली के मुताबिक ही, ऐसा कोई नाजायज जो धाराएं लगी हुई आप क्या मानते हैं धारा गलत है? 379B लगाई है तलवार चैन स्नैचिंग की, वो लगा कि जो हम इसकी वेरीफाई करने के बाद जो धारा होगी वो देंगे, अदरवाइज अभी आपने ज्ञापन दिया उसमें पुलिस ने कुछ आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है उन्होंने, हमने पुलिस से आश्वासन लिया है कि हमारे हमें बिना किसी उसके हमें प्रताड़ित ना किया जाए, कि हमारे पास सूरजगुंड थाना CIA सब हम पर दबाव बना रही है, ऐसे क्यों हम कोई हार्ड को क्रिमिनल नहीं है हमारे बच्चे जिन पर इतना बड़ा दबाव बनाया जा रहा है, इसका मतलब तो ये हुआ अगर भाई हमारा कोई सुनेगा नहीं तो कैसे, अगर मान के आप हमारे कमिश्नर साहब हो, आप फरीदाबाद की जानी मानी तोफ हो, अगर आप ही नहीं सुनोगे हमारी कौन सुनेगा? तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैं इस पर कंट्रोल करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ CP साहब ने कहा कि बच्चों को इन्विटेशन दिया जाए कि वो कोई ऐसा काम ना करे, और हो सकता है जो झगड़ा हमारे बच्चों के साथ हुआ है उन बच्चों के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो जाता फिर हम क्या करते, बच्चे तो वो भी हमारे ही हैं और ये बच्चे हमारे हैं। जो बच्चा पेश नहीं वो पेश होगा क्या? देखिए जो बच्चा एक दो बच्चे जो हमारे पास थे वो हमने पेश कर दिए सेक्टर 19 में, और जो बाकी हैं जिनका हम वेरीफाई कर लेंगे। जैसे ने बहुत बड़ा अपराध करे कई लोगों में बलिया हमारे गांव में जाएगा, जैसे ये डकैत हो ऐसे हमारे गांव में झगड़ा उनका कह रहे हो ऐसे पुलिस का जो बहुत बड़े अपराधी है। एक रिक्वेस्ट है हमारी CP साहब से कि ये समझौता करके उनको भी बुला ले, हमें बुला ले, जो जो दंड का अधिकारी है उनके हाथ में होते समझौता करवा दे। ये स्टूडेंट इन लाइफ इनकी खराब हो जाएगी, बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा, इनके एग्जाम है जीवन इनका नष्ट होगा तो फिर क्या होगा? और पुलिस तो सहायता के लिए होती है, एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए होती है, ये नहीं है कि किसी को डाउन बना दे, किसी को इतनी हाईलाइट कर दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर हमारा और इनका फैसला करा दिया जाए, उनको भी बुला ले दूसरी पार्टी, वो भी हमारे बच्चे हैं, ये भी हमारे बच्चे हैं।
हर चीज का समझौता होता है और इनने ज्यादा कोई ऐसा कुछ भी नहीं किया कि बच्चों का ये एक कॉलेज में लड़ाई हुई है और कॉलेज में ये सिर्फ पे चौकी तक का मामला ना कि ये सीआईए तक का मामला है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि ये मामला यहीं सीपी के ऑफिस में ही कल रफे दफे करवा दिया जाए। जी जो आपने जो ज्ञापन लेके गए तो आपकी बात पे कुछ सुनवाई हुई है? पहला विज्ञापन है जी हमारा, पहला विज्ञापन है हमारा, सुनवाई नहीं हुई। आपसे पहले हम सीपी साहब से मिले ही नहीं, आज मिले हैं। उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ में न्याय होगा, दोनों पार्टियों को बुला के हम न्याय कराएंगे। आपका नाम? मेरा नाम रघुवर प्रधान है जी, पाली से बिलोंग करता हूँ, रघुवर भटाना नाम है मेरा। सीपी सब भाई बात सुन लो, पूरा समाज सुन लो। सीपी साहब ने ये बोला है अब जो 379 बी लगी है ना, इसकी हम इंक्वायरी करके इसको ये जो चार्जशीट दाखिल करेंगे उसमें कट जाएगी। सुन लो सीपी साहब ने बोला, रही बात जो तुम्हारे बच्चे हैं इसमें और वो भगे ढोल रहे हैं, उनको एक बिल ले आओ, पुलिस नहीं जाएगी और बैठ करके तुम सामाजिक तौर पर अपनी बातें करो वहाँ पर। मैं नहीं कह सकता, मेरा काम नहीं है सामाजिक, तुम क्या करो क्या ना करो सामाजिक तौर पर अपने वहाँ बात करो। 379 भी जब इंक्वायरी में जब चार्जशीट दाखिल करेंगे तो वो हट जाएगी, वो उन्होंने कतई सीपी साहब ने सबके सामने बोला है। अब ठीक है जो इन्होंने धारा लगा दी है वो जब हम चार्जशीट दाखिल करेंगे तो उसमें ये हट जाएगी धारा। अच्छा कॉलेज में जो फुटेज है उसको निकाल लो, झगड़ा हुआ है दोनों तरफ से और जो बच्चे तुम्हारे भगे ढोल रहे हैं भाई, यहाँ नंगा ना वो तुझे कह यहाँ नंगा नाच नचाया तुमने, शहर के आम नागरिक पर क्या क्या असर गया उसका जो तलवारों से तुम भागे ढोले हो यहाँ बच्चे। अच्छा तो उन्होंने कह दिए सही बोल दिया है, अब हमारा भी काम है हम उन भैया दौरे जाऊँ, उनके आदमी थी जोड़े बात को ये सामाजिक तौर पे ही निपटेगी बात बीमारी। हाँ आई आई मैंने कही है, ये भी कही है, ये मैंने आई आई आप रहिए आई आई आ गांगी आई आई बैठ जाओ आ गाओ बैठ जाओ कुछ कैसे इधर आप बैठो साहब हम बैठे हैं। हां आपका नाम सर? यस सर मैं विनोद भाटी, मेरा लड़का योगेश भाटी। ठीक है पहले तो सब में बड़ी मानव रचना प्रशासन की गलती है। अच्छा। जब बच्चे इनकी 3 दिन से लड़ाई हो रही थी उनका फर्ज नहीं बनता था पेरेंट्स के पास फोन करने का, है बर्खास्त कर दिए बच्चे जब तो मैसेज भेज रहे हो तुम, उनका फर्ज नहीं बनता क्या? है हमारे बच्चे दोषी हैं, उससे बड़ा दोषी वो है मानव रचना, पहले कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। तो जो आपके बच्चों पर एलिगेशन लगाएगा आप क्या मानेंगे? एलिगेशन लगाया एलिगेशन, उसके बाद में 2 गाड़ी हमारी आई है, 15-20-30-50 लड़के कुछ भी एलिगेशन लगा देंगे, कोई कानून नहीं कोई नियम नहीं कोई धारा नहीं कोई कुछ नहीं, अपना इनकी अपनी चलेगी है, सब में बड़ा कॉलेज प्रशासन है। आप पुलिस क्या नाइंसाफी कर रही है आपके साथ? नाइंसाफी है आपको धारा पता चल रही है, क्या धारा लग रही है उसकी आप जानते हो, धारा क्या है ये है, इसमें बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा। मेरा बच्चा 6 महीने पहले एडमिशन हुआ है, मेरा बच्चा किस किस के नाम बताएगा वो जानता नहीं है किसी को भी, राजीनामे के लिए गए हैं बच्चे वो, उनका उनके बाउंसर आए थे, बाउंसरों ने छूट छाटा कराया, बाउंसरों ने प्रशासन से बोला है जाकर कॉलेज के प्रशासन ने, कॉलेज के प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती पेरेंट्स के पास फोन करने की। गिरफ्तार है? गिरफ्तार है मेरा बच्चा, हार्ट का पेशेंट है मेरा बच्चा, अगर कोई होगा मैं कॉलेज प्रशासन पर कॉलेज के पर केस करूंगा मैं उस पर, उसकी गलती है सारी। क्या बात कर रहे हैं, नेताजी बोलना चाहिए इनको, कॉलेज के प्रशासन की गलती है सारी। आप क्या चाहते हैं क्या हो? क्या चाहते हैं? कॉलेज प्रशासन आएगा यहाँ पे बात खत्म, बच्चा मेरा मर जाए टॉर्चर हो जाए कुछ भी हो जाए। टॉर्चर किया गया? टॉर्चर नहीं करा, कैसे कर देगा, हार्ड की मैंने वो फाइल लगाई है उसके बच्चे की, सब सबकी और करें हैं सीआईएन और टॉर्चर करे बच्चे दबिश दी जा रही है, सारे काम हो रहे हैं। मीडिया से रिक्वेस्ट करो हमारे कर्नल साहब है बहुत सुलझे हुए व्यक्ति, वे 2 बात अवश्य कहेंगे। नाजायज हो रहा है, स्कूल प्रशासन की गलती है सारी। अपना मैं कर्नल राजेंद्र कुमार, हमारे साथ हैं कर्नल साहब हैं, ये बात रखेंगे जो बच्चों के बीच जो झगड़ा हुआ है उसके उसके बारे में बताना चाहते हैं। हाँ जी कर्नल साहब, मैं कर्नल राजेंद्र पाली गांव से, हम सीपी साहब को हमने मिले हैं और वहाँ पे ये बात हमने पेश करी है कि जिस तरह का इसका क्रिमिनलाइजेशन ना हो, जो वास्तविकता में जो जैसा हुआ है उसको उसी तरह से पेश किया जाए, ना कि ये कि बच्चों को क्रिमिनलाइज किया जाए।
दूसरी चीज़ ये बताई है कि इस चीज़ का, इस पूरी समस्या का इस तरह का कोई हल खोजा जाए कि जिससे ये बच्चे परमानेंटली क्रिमिनल ना बन जाए। उसके अलावा ये जो सिचुएशन है ये एस्केलेट ना हो कि ये और ज़्यादा बढ़े, तो इस तरह से इसको हैंडल किया जाए, क्योंकि ये कोई 10 नंबरी नहीं है ये बच्चे, ये कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स यूनियंस में हमने भी पार्टिसिपेट किया है, हम सब लोग रहे हैं उसमें, तो जानते हैं ठीक है। यूनियन के धाराएं लगाई गई, जो धारा लगाई गई वो ऐसा लग रहा है जैसे पेशेवर अपराधी के लिए। उन्होंने क्लेरिफाई किया कि वो कंप्लेनेंट की तरफ से है और उसके आधार पे जो धाराएं लगी हैं वो हम चार्जशीट पे लगाएंगे, ऐसा तहकीकात के बाद ही होगा। तो ये नहीं है कि ब्लाइंडली जो कंप्लेनेंट ने जो कह दिया है उसी चीज़ को हम एक्सेप्ट करके वो यूं का यूं ही चार्जशीट में डाल देंगे, वो उन्होंने प्रॉमिस किया है। जो आपकी तरफ से ज्ञापन दिया गया उसमें आरोप लगाया गया पुलिस पे कि थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया गया बच्चों के ऊपर, जो हुआ है उसी के बारे में किया कहा गया है कि इस तरह का एक जो एक बच्चे के बारे में है उन्होंने, पुलिस ने ये कहा है कि पलवल से उसको पकड़ा गया है, आगरा से पकड़ा गया, जबकि हकीकत जो है वो ये है कि घर वालों ने उसको बच्चे को पेश किया है। तो ये जो ड्रामेबाजी इस तरह का उसको बहुत बड़ा क्रिमिनल बना के जो दिखाया जा रहा है, ये जो टेंडेंसी है ये कर्म की जाए और जो हकीकत है हकीकत को पेश किया जाए, उसको उसी ढंग से हैंडल किया जाए। देखिए कॉलेज का झगड़ा था, तो ये कॉलेज के जो बाहर आके पुलिस में आ गया है, तो ये जो झगड़ा था कॉलेज में क्यों नहीं उठ पाया, मतलब कॉलेज प्रशासन की आप चूक मानते हैं इसमें? कॉलेज प्रशासन में जो स्टूडेंट्स की यूनियन वगैरह है मैं समझता हूँ उतना होल्ड होता नहीं कॉलेज प्रशासन का, तो ठीक है। अब इस लेवल पे ये आया है कि ज़रूरी बात है कोई भी झगड़ा जो है छोटी मोटी चीज़ से ही चला होगा, उसके बाद वो जिससे गलती हुई वो गलती मानने के बजाय जो है किसी दूसरी ढंग से पेश आए, ये बढ़ता चला गया और जो भी इसने रूप लिया उस स्टेज पे पुलिस का इन्वॉल्व होना नेचुरल था वो है, लेकिन जो उन्होंने सीपी साहब ने सुझाव दिया है वो काफ़ी कोऑपरेटिव दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा वो नहीं है और उनकी जिम्मेवारी भी है क्यों पूरे हलके में यूनिवर्सिटी में अमन चैन बना रहे, स्टूडेंट्स बेहतर ढंग से पढ़ाई के माहौल में रह सके। इसमें तो बच्चों का भविष्य पूरे खराब हो सकता है सर पूरा, तो उसमें एग्जाम टाइम एग्जाममेंट है दोनों तरफ से, लेकिन जो भी है आप आइए देखिए बच्चों का पूरा फ्यूचर दांव पे है, एग्जाम आने वाले हैं, कॉलेज प्रशासन की चूक बताई जा रही है कि वहाँ पर निपटाना चाहिए मामला, यहाँ तक आना चाहिए था मामला निपटाना चाहिए था, पुलिस की पूरी मौजूदगी बनती है, 46 चौकी लगती है, हमेशा पीशार होती है प्रोवाइड होती है वहाँ पे, और बच्चों का इशू अगर वहाँ कोई पॉलिटिकल इशू बने गए तो कॉलेज का भी मैनेजमेंट का फर्ज बनता है कि उसको आपस में उसको निपटाया जाए। झगड़े की शुरुआत कहाँ से हुई, किस बात पे झगड़ा हुआ, ये तो बात समझ में आई। झगड़ा उनके अंदर दोनों पार्टियों में अहम की लड़ाई है बच्चों में, इशू एक पॉलिटिकल इशू, अगर मेरी चलेगी यहाँ आपका दबदबा होगा, ये लड़ाई और वहाँ कोई बंटवारा नहीं हो रहा, ना कोई प्रॉपर्टी का है, ना कोई पैसे का कोई लेन देन है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल एक दबदबा और एक अपना अहम की लड़ाई है वहाँ पे, और कोई लड़ाई नहीं है ये। हाँ जी, जिस बात की तो इनका मानना है कि जो स्टूडेंट हैं इनको जो पुलिस ने धाराएं लगाई हैं वो संगीन धाराएं लगाई जैसे पेशेवर अपराधी हो। तो कैमरामैन विनीत के साथ में समीर M24 न्यूज के लिए।